मैं करवाता हूँ 3 टाइम सुवाई अपने डेयरी फार्म पे खड़ी रहती है। 3 टाइम नहीं, 3 दिन सुवाई कर लेना। बिल्कुल, 3 दिन सुवाई करने के बाद में भी ना समझ में आए ना तो ये नहीं पूछूंगा भाई भैंस में क्या कमी है। सारी व्यवस्था, सब खाने पीने का, सब कोई रूम चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा, कोई खाने पीने का चार्ज नहीं। जी जी। 3 दिन हमारे पास रहो जी। अगर फिर भी अगले की भैंस समझ में ना आए, ना आए, कोई जबरदस्ती कोई धक्का नहीं है भाई। तू 3 दिन हमारे पास रहा है, तू हमारे से भैंस लेके जा। अगले के खूब मन में भरे, रेट में भरे, दूध में भरे, क्वालिटी वाइज अच्छी लगे। अगले को यूं लगे भाई सुनील 1 लाख रुपए की भैंस दे रहा है, वो भैंस 1,05,000 रुपए की है तो लियो। अगर वो लगे 90,000 की है भैंस ना लियो। बताने को तो देखो पहली बार भी बता दो, चाहे झोटी चलती है पहली बार में आगे जब बच्चा देगी कौन के दिए। 35 किलो दूध इसने निकाल रखा है पिछली बार। साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान। आज आपके लिए स्पेशल एक पशु सेल की वीडियो लेकर के आए हैं, और सेल के लिए यहाँ पर लगभग 20-22 पशु है, लेकिन आज आपको लगभग 9-10-11 पशु आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर देखते नहीं है। तो देखिए टेम्परेचर लगभग 48-49 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर भाई ने फोगर सिस्टम लगाया हुआ है, पशुओं को जाके गर्मी ना लगे, और इस गर्मी के अंदर पशु दे करके लाना, छांट करके लाना बड़ी मेहनत का काम है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है भाई, एक ही पशु को देख करके लाना, गाँव से लाना। और आज आपको जो सेल परचेज के लिए आपको पशु दिखा रहे हैं उसमें देखिए एक से बढ़कर एक बहुत ही शानदार शानदार पशु दिखाएंगे, जिसमें लगभग 4-5 पशु बच्चा दिए हुए हैं, और 2 भैंस ब्याने वाली है, और 3 लगभग गाय हैं सुनील जी। 3 गाय। तो सुनील जी राम राम। सबसे पहले तो श्री बालाजी पशु डेयरी फार्म मंडी आदमपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा की तरफ से आप भी हमारे डेयरी फार्म पे आए, आपका स्वागत। और जो आपके चैनल पे जो व्यूवर देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी राम राम। तो आज हम आपके यहाँ पहुँचे हैं डेयरी के अंदर, तो आपने सबसे पहले फोगर सिस्टम में लगाया हुआ है जी। तो पशुओं को क्यों टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है? पहली बात तो आप आज बिना बताए आए हो। अगर आप कल शाम को फोन करते तो अपनी 5 भैंसे लोड की थी कल शाम को। अच्छा, अच्छा। वो वैसे भी आज कर देते आप वीडियो, वो भी जरूर दिखाते, वो भी ग्राहक साथी हमारे यहाँ आए हुए भी थे, पर आज आप बिना बताई ही बिना कॉल किए ही इतना चक्कर लगा था, इसीलिए डेयरी में सोचा मैं मिलके चलते सुनील जी, इसलिए आना पड़ गया। तो आप कितने पशु आज दिखाएंगे? आज वैसे तो आप जितना देखने चाहो उतना देख लो, डेयरी भरी खड़ी है, 15-20 वैसे है अपने पास बिक्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज की वीडियो में लगभग 10 मानो आप, 10 भैंस। हाँ, 6 भैंसे, 3 गाय। अच्छा, 3 गाय। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग एक नंबर वाली भैंस है, उसका क्या कुछ है? एक नंबर वाली जोटी पहले ब्यांत की है जी। अच्छा, पहले ब्यांत की है। हाँ, और क्वालिटी वाइज बात करें, हाँ, बाकी तो आपको सामने वीडियो में सारे भाई देख रहे हैं, रात दिन वीडियो ही देखते हैं जी। जी, अपना भी खुद का चैनल है, चैनल पे भी वीडियो डालते रहते हैं जी। इतनी हाइट लेंथ पहले ब्यांत की जोटी की मिलनी बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी वैसे मैंने तो शायद। और आज की टाइम में क्या सिस्टम है, 1 मिनट रोकना भैया, आज की टाइम में जो भी भाई वीडियो देखेंगे जी, ये जरूर कहेंगे जी पतली दिखाई दे रही है जी। पर पतली की बात ये है, मेरे को भी हाथ इतना ऊंचा करना पड़ रहा है, इतना ऊंचा हाथ, इतने ऊंचा कद की जोटी। आज अगर पतली है यूं मान के चलो, दूसरी बार में जब तीसरी ब्यांत में ये जोटी बनेगी, उस टाइम में इस जोटी का कोई शायद ही मुकाबला करने वाली जोटी मिलेगी। अच्छा, थनों की बात, आज सुबह इसको बिल्कुल खींच से झाड़ के खाली भी कर दिया था। 4 दांत जोटी है, 4 दांत पूरे कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, और नीचे इसके बूरी कटड़ी है। हाँ, पर जिस टाइम इस जोटी के बच्चा लगता है और बच्चा लगने के बाद में पसम के थन निकालती है, वाकई कोई चीज अलग ही बन जाती है नीचे की, भाई हाँ कोई जोटी होनी चाहिए। आप कितना दूध है इसका? आज सुबह इसको खाली किया है जी। अभी ये जितना दूध देगी वो पहले टाइम का ही दूध है, पहले टाइम का। हाँ जी। पर जोटी की हाइट लेंथ लंबाई और जो अर्डर जो थन निकालती है, थन की चौड़ाई काबिले तारीफ ही है जी, इतना बढ़िया थन है शायद ही कोई जोटी निकाले। सही बात है। हाँ, जो भाई ब्रीडिंग के लिए घर के लिए एक पशु रखना चाहते हैं, उन भाइयों के इतनी मतलब की चीज है, चलो अपना तो रोज का सेल परचेज का काम है, इतनी भैंसे कहाँ पे घर रखते हैं, क्योंकि रोज ही बढ़िया ही आती है अपने तो। ठीक क्या, है क्या कीमत है? कीमत की बात मौके की रहेगी, मौके की, जो भाई आएगा, क्योंकि देखो जी आज ये सुबह खींच से खाली हुई है। आज इसकी कीमत कुछ भी बताऊंगा, हो सकता है ये जोटी 12 किलो दूध दे और हो सकता है ये जोटी 16 किलो दूध दे। आप ये बताओ, अगर आज मैं कीमत बताता हूँ ये जोटी कल को, अगर आज मैं बता दूं 15-16 किलो वाली कीमत,
और ये कर जाए 12 किलो तो कौन ले जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर आज मैं बता दूं 12 किलो वाली कीमत जी, और कल को ये कर जाए 16 किलो जी, तो वो चीज तो अलग ही रहेगी। तो इससे अच्छा रेट की बात कोई लूटता नहीं है जी, जी। आज की टाइम में दुनिया भर की वीडियो बन रही है, कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आओ, दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम मिल्किंग करो। हमारे पास है, जैसे किसी का नाम नहीं लेंगे, सब अपनी जगह सही है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो आज की टाइम क्या है, व्यापारी भाई ये चीज नोट करते हैं, गाड़ियां कौन ज्यादा भर रहा है। हर कोई वीडियो क्या देखता है, ये आदमी भाई महीने की 100 भैंस भरता है। बिल्कुल। अरे 100 भैंस भरता है, वो अपने घर पे एक भी भैंस बांध के दिखाता है कि कभी सेल के लिए? सही बात है। वो आते हैं, आते ही उनके साथ में गाड़ी में बैठे और चल भाई फलानी जगह से भैंस दिखाएंगे। अपने पास सौदा बन गया दिन में 11 बजे, दो दो धार दिखाई, वीडियो में जाके क्या बताते हैं, तीन टेम सुवाई करवाई है। अच्छा, वो ये चीज नोट नहीं करते भाई, आपने एक टाइम धार मारी है और आपकी तीन टाइम की दिखा रहे आई है। अगला जो वीडियो देखेगा वो भी तो विश्वास करके आएगा, तू भी तो यहाँ पे वीडियो देख के विश्वास करके आया है। बिल्कुल, एक नंबर की बात है। अगला आएगा वो सोचेगा वो तीन टाइम चुवाई करके ले गया, तू भी चल तीन टाइम चुवाई करके ले आना। वो आएगा, आते ही वही 10 बजे सौदा बनया, दो दो धार मरवाई और उसकी वीडियो बनाएगा, तब क्या कहेगा, तू बोल दियो तीन टाइम चुवाई करिए, मैं करवाता हूँ तीन टाइम चुवाई, अपने डेयरी फार्म पे खड़ी रहती है, तीन टाइम नहीं, तीन दिन चुवाई कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। तीन दिन चुवाई करने के बाद में भी ना समझ में आए ना, तो ये नहीं पूछूंगा भाई भैंस में क्या कमी है। और जैसे कोई यहाँ पर आकर के, हाँ, अगर तीन दिन रहने सहने का कैसे, कोई सारी व्यवस्था, सब खाने पीने का, सब कोई रूम चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा। कोई खाने पीने का चार्ज नहीं। जी जी। तीन दिन हमारे पास रहो जी। अगर फिर भी अगले के भैंस समझ में ना आए, ना आए, कोई जबरदस्ती कोई धक्का नहीं है भाई, तू तीन दिन हमारे पास रहा है, तू हमारे से भैंस लेके जा। बिल्कुल सही बात। हाँ, अगले के खूब मन में भरे, रेट में भरे, दूध में भरे, क्वालिटी वाइज अच्छी लगे, अगले को यूं लगे भाई सुनील 1 लाख रुपए की भैंस दे रहा है, वो भैंस 1,05,000 रुपए की है, तो लियो। बिल्कुल सही। अगर वो लगे 90,000 की है भैंस, ना लियो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, रहने पीने का, खाने पीने का कोई चीज का चार्ज लूं, मेरे को उलाना दियो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर आकर दूर से आते हैं, प्यार रहने के। तो दूसरे, ये दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जोटी है जी, 3 दिन का बच्चा दिया हुआ। नीचे नीचे उसके भी बुरी कटड़ी है, जो एक नंबर है उसके भी बुरी कटड़ी है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे भी कटड़ी है। अच्छा। हाँ, चलो खोलिए इसको। जोटी खुद भी सीमन की है। अच्छा। आपा ये पुष्टि नहीं करेंगे ये कौन से सीमन की है। अच्छा। क्योंकि अपने यहाँ खरीद बेच का काम, और पीछे भी मालिक ने बताया बढ़िया सीमन लगवा रखा है, डॉक्टर ने 1100 रुपए ले जा रखे, अपने को पता नहीं है जी कौन सा सीमन लगा रखा। अच्छा, ये कितनी बार बच्चा दिया इसने? दूसरी बार बच्चा दिया है। अच्छा। और जिस मालिक से ये आई है उससे अपने पास ये दूसरी जोटी आई है। अच्छा। जब पहली मैं ले आया था तब ये जोटी मतलब 3-4 महीने की ब्याई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, दूध की बहुत अच्छी है, दूध यू मान के चलो आपा ने पहले भी देख रखी है, 17 किलो दूध इसने पेलवन ने दे रखा है। अच्छा, अभी ये जोटी दूसरी बार बच्चा दिया, थोड़ी और चला दो भैया, लंबी चला दो, तो दूसरी बार बच्चा दिया है। और आज सुबह इसकी 5:15 बजे चुवाई हुई है जी। अभी आप टाइम देख लो कितना टाइम है। कोई भाई सौदा करे, अपने हाथ से खाली कर लियो, दो टाइम फिर चुवाई कर लियो, अगर ये जोश मिले तो जोटी ले जियो। और कोई आदमी यूं कह दे भाई बाजार लगा के वीडियो बना रहा है, अपना तो कोई वीडियो का मैटर ही नहीं था। ना, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही आए थे हम तो। हाँ, सही बात है। और ये जोश टाइम टू टाइम का जोश है जोटी का। हाँ, रेट बिल्कुल 1,85,000 रुपए रेट है अभी 2-4 दिन का। अच्छा, 2-4 दिन का, ठीक है। बाद में ये जोटी 20 किलो पे जाती है, 22 पे जाती है, या ये 16 पे रुकती है, वो रेट रहेगा बिल्कुल मौके का। हाँ, 2-3 दिन का रेट है, 2-3 दिन का रेट रहेगा 1,85,000। बिल्कुल सोने पर की बात है भाई। आप हाँ, जो भी भाई की सच्चाई है वो आप बता रहे हैं, 2 दिन का रेट है, 3 दिन का रेट है। सुवाई के अंदर सुपर फास्ट लगे तो आपकी, माड़ी लगे तो मेरी। बिल्कुल सही बात। दो टाइम चो, तीन टाइम चो, आपके ऊपर बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ इसका 25 किलो जी, ये आपको मन में भरे। हाँ, भाई हाँ ये इतना दूध देगी, ये इस चीज के अंदर बिल्कुल खरी है, खरी है, तो आपकी है, नहीं मेरी है। अच्छा, 30 नंबर बड़ी। आज ये मान के चलो, आज आपने रेट पूछ लिया, मैंने 1,85,000 बता दिया, आज तो ये जोटी चल रही है लगभग खाली होती 12-13 किलो पे। आगे ये जोटी दूध दे 20 किलो, दूध दे 22 किलो, आप बताओ 20 किलो और 22 किलो दूध देती है जोटी, कौन दे देगा? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सही बात है। हाँ, आज का, कल का, 2 दिन का 3 दिन का रेट है 1,85,000। उसके बाद रेट, बाद की बात है, बाद में हो सकता है ये 1,70 की भी, और हो सकता है ये 2.25 लाख की। हाँ,
इससे आगे ये जोटी है जी पहले ब्यांत की। अच्छा, पहले ब्यांत की बिल्कुल जोटी है, थोड़ी सी बड़ी होके ब्याई, छठे दांत लगभग निकाल चुकी है। हाँ, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे भी कटड़ी है। कटड़ी है, हाँ। तो कितने दिन हुए इसको ब्याए हुए? तीसरा दिन है जी। अच्छा, कल खीस से खाली करी है। अच्छा, खाली करती हुई जोटी में 12 किलो दूध अभी तैयार है। अच्छा, बच्चे ने भी मुंह लगा दिया, जोटी पसमी हुई है जी जी। और ये जोश टाइम टू टाइम का है जी। अच्छा, टाइम टू टाइम बिल्कुल, दो टाइम तीन टाइम अगला देख लेने हैं, ये चक्कर नहीं है भाई, कोई एक घंटा भी टाइम लगे हुआ। बिल्कुल शानदार जोश है। हाँ, लंबे चला दे भैया, लंबे चलाओ। देखिए और जोटी, मेरा अनुमान है जी 16-17 किलो दूध पहले ब्यांत में खुला देगी। खुला देगी, हाँ। और जब नीचे चुआई करने के लिए बैठते हैं ना, गजब ही चीज है। इसका कोई मोल भाव? इसका मोल आज की तारीख में 1,60,000 रुपए। 1,60,000। जो मान सम्मान देखो बाजी भाई, ये नहीं है भाई अपना कोई फिक्स का काम है। हाँ, पर कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, अपना रेट वो रहता है जो अपने को बेचनी होती है। सीधी बात है। अच्छा, ये चौथे नंबर वाली जोटी की बनावट देख लो। बिल्कुल बनावट एक नंबर है। पेट की और की सारी चीज की। और जब जिस टाइम ये जोटी दूसरी बार में बच्चा देगी, उस टाइम आप भी अंदाजा लगा सकते हो क्या चीज बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यूं मुंह से कहने को आज मैं इसका 22 किलो के दूं, अगर ये जोटी पहले ब्यांत में 16 किलो भी देती है तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और देगी क्योंकि अभी खाली होती, बच्चा खुद देख रहे हो आप कितने दिन की है। आज 12 किलो दूध हाजिर है, कोई भाई तीन टाइम सो के ले जी। बिल्कुल ठीक बात है। ये जोटी है दो दांत। अच्छा, दो पहले ब्यांत की, दांत भी दिखा रही है देख लो। चौथे दांत तोड़ चुकी है। अच्छा, दो दांत पूरे निकाल गई। इसने बच्चा दिया हुआ है? हाँ, बच्चा दिया हुआ है, चला लो। कट्टा है भाई ये भी, आज चौथा दिन है बच्चा दिया। चौथा दिन है। हाँ, बच्चा देख लो आप जी। वैसे तो तीन दिन की रात के हिसाब लगाए, पर आप चौथा ही मानो। अच्छा, आज इसके अंदर हाजिर है 10 किलो दूध। 10 किलो दूध, हाँ बिल्कुल। बच्चे से अलग माने तो मानो आप 9.5 किलो, बच्चे समेत माने तो हो सकता है 10.5 भी हो। 10.5, ठीक ठीक। तो इसका 15 किलो दूध दे देगी जोटी। 1,40,000 रुपए इसकी कीमत है। 1,40,000। हाँ, बाकी जो मान सम्मान है मौके पे कर दिया। बिल्कुल मौके पे कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, चुआई के मामले में बहुत सुपर फास्ट है, हर चीज से जोटी साफ सुथरी है। एक टाइम नहीं, दो टाइम देखो, तीन टाइम देखो। अच्छा, कोई लेडीज अगर आना चाहे साथ में तो अपना पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। हाँ, अपने माता जी भी है, बहन जी भी है, सारे यहीं पे रहते हैं। हाँ, कोई प्रकार की लेडीज भी आते हैं, ऐसा नहीं है भाई आप रात होगी कहाँ रुकेंगे ना। बिल्कुल, अपना परिवार है तो आपके साथ अगर लेडीज है, लेडीज पशुओं ज्यादा सब रहता है, अगर वो आके यहाँ देखना चाहती हैं, आके कोई दिक्कत नहीं है। अपने माता जी बहन जी सारे यहाँ पे है, खाने पीने की सुविधा उनको घर पे करवाएंगे, रुकने की व्यवस्था लेडीज है उनको घर पे करवाएंगे। जेंट्स तो है तो हो सकता है कमरा बाहर भी मिल जाए उनको, पर लेडीज है अपने घर पे रुकेंगे। वो भी दो टाइम चुवाई करो, तीन टाइम चुवाई करो, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। पांचवे नंबर जी, पांचवे नंबर पे इस जोटी का अभी 10 तारीख को इसको लग गया है नौवा। हाँ, 10/6/2024। हाँ, आज कितने, एक महीना और लगभग 23-24 दिन बाकी रह गए इसके जाने में। हाँ, और अभी भी एक टाइम दूध दे रही है। दूध दे रही है अभी? हाँ, सुबह एक टाइम मालिक के घर तो दोनों टाइम 6 किलो दूध था, पर मैंने टाइम कम बचा इस वजह से ड्राई करने के लिए एक टाइम दूध निकालना शुरू कर दिया। सुबह को 3 किलो दूध अभी भी देती है। अच्छा। हाँ, 2-2.5 किलो दूध अभी भी सुबह को एक टाइम निकाल रहे हैं। लगभग एक महीना करीब, एक महीना और लगभग 23-1 दिन रहे। हाँ, के देते हैं बोलो हरियाणा में भैंसे कितने लंबे टाइम दूध देती है, ये अपने ओरिजिनल आदमपुर एरिया की भैंस है। और अभी तक अगर इसको ड्राई नहीं करता ना मालिक की तरह दोनों टाइम चलाता, एक महीना दूध और निकालते। हाँ, और भैंस इससे अच्छी भैंस क्या मिलेगी? अगर कोई घरेलू लेना चाहता है भैंस, हाँ, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया भाई, दूसरी बार बच्चा देगी लंबे टाइम तक। अच्छा, ये बताने को तो देखो पहली बार भी बता दो, चाहे जोटी चलती है पहली बार में, आगे जब बच्चा देगी कौन के देगी दूसरी बार। मैंने भी सोचा पहली बार। हाँ, पर ये दूसरी बार बच्चा देगी। अच्छा, बढ़िया थन, बढ़िया चुवाई। अगली अगली जोटी का एक महीना रह गया। अच्छा, एक महीना ब्याने का रह गया, पहली बार बच्चा देगी। पहली बार आज भी अड्डर का जोश देख लो और ठंड देख लो कितना बढ़िया। जिस टाइम में पूरे बच्चे की तैयारी पे आएगी उस टाइम जोश देखियो जोटी। ना, बिल्कुल सही। हाँ, जो चीज मिलेगी बिल्कुल प्योर जेनुअन मिलेगी अपने पास। आपको बता दिया जाएगा जो भी। हाँ, कुछ कमी पैसी भी, कमी पैसी वाली भैंस पहली बार तो लाते ही नहीं। जो चीज ले आएंगे साफ सुथरी ले आएंगे, कम ले आएंगे, ये नहीं है भाई अपने 50 मिलेगी, 10 मिल सकती है, 8 मिल सकती है, पर जो मिलेगी वो चीज मिलेगी। हाँ, इसका कोई मोल भाव जी? ये जोटी रहेगी रेट बताने के,
आज की तारीख में कोई भाई जोटी लेता है, फिक्स प्राइस है 90,000 रुपए की जोटी दे। हाँ दोनों जोटी कोई सी ले लीजिए। इसका हाँ इसका क्या? ये जोटी भी 90,000 की दे दे। ये भी 90,000। हाँ 90,000 की, ये 90,000 की वो गई। अगर आपको पसंद आती है तो ये ले सकते हैं बालाजी डेयरी आदमपुर से। तो आगे और ये जोटी जिस टाइम बनेगी मेरा अनुमान है खूब बड़ी ऑर्डर बनाएगी। बाकी तो देखो जो चीज है मौके की वो परमात्मा की बात है। एक महीने का चाहिए थाने ऑर्डर सारी चीज देख लो। आगे इस गाय के अंदर दूध है अभी लगभग लगभग 24-25 किलो इस गर्मी के अंदर। अच्छा 24। ये गाय चली गई थी 32 किलो दूध पे। अच्छा इसको बाद में दाना थोड़ा कम कर दिया गर्मी की वजह से भाई बिना काम। बिल्कुल बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत है। आज भी इसके अंदर नॉर्मल दाने के ऊपर मतलब बहुत कम दाना कर रखे है फिर भी 24 किलो दूध अभी निकालने का है। निकालने का है हाँ, बच्चा पीता है वो भी अलग है। हाँ नीचे इसके मेल काफ है, बछड़ा है। कितने दिन ब्याई होगी? ये ब्याई होगी अंकल जी लगभग 15-13-14 दिन के आसपास। 13-14 दिन। हाँ अच्छी गाय है, पिछली बार भी 35 किलो दूध दे रखा है। ये बच्चा है? हाँ ये बच्चा है। ये देखिए भाई 35 किलो दूध इसने निकाल रखा है पिछली बार। अच्छा और इसका मोल भाव? मोल भाव इसकी बात है मौके की, क्योंकि ये ज्यादा तो अपना बेचने का इरादा कम है, डेयरी में दूध के लिए भी चाहिए। अगर कोई अच्छा ग्राहक होगा किसी को पसंद आएगी दो टाइम मिल्किंग करेगा उसके बाद में देख लेंगे कितने की। वो गाय खोल भैया, उस गाय को आज सुबह खीस से खाली कर दिया, परसों बच्चा दिया इसने। अच्छा नीचे क्या है इसके? नीचे इसके ये बछड़ा है। बछड़ा है हाँ। शरीफ इतनी है जी जी, मतलब दूध निकालने जब बैठोगे ना तो कोई पैर हिलाना इधर उधर देखना कोई मतलब नहीं है, भैंस की तरह चुआई कर लो। मतलब गाय को न्याना लगाते हैं? न्याना भी लगाते हैं। न्याने वैसे जरूरत नहीं इसको? जरूरत नहीं है पर गाय न्याने की कहते हैं, गाय न्याने बिना मानते नहीं है, मानते नहीं है। न्याना भी लगाते हैं पर इसको जरूरत नहीं है, ये भैंस जैसी है। अच्छा इसका दूध? दूध अभी भी आज सुबह खाली करी है, मेरा अंदाजा है आज भी होगा शायद 12-13 किलो से तो स्टार्ट। हाँ दूध दे देगी लगभग 19-20 किलो। मोल भाव? मोल बिल्कुल वाजिब है जी इसका, 55,000 की गाय दे देंगे। 55,000। हाँ और इसका रह गया अभी एक हफ्ता। अच्छा ब्याने में बच्चा देगी? ब्याने में हाँ, ये भी दूसरी बार बच्चा देगी। अच्छा दूसरी बार देगी? हाँ ये भी साफ सुथरी बच्ची है, 15 किलो दूध पहलवान ने दिया है। अच्छा दे देगी 16-17 किलो आराम से। हाँ शरीफ ये भी बहुत है, ये बहुत शानदार गाय है भाई। हाँ तो इसका कोई मोल भाव जी? 45,000 रुपए जी। 45,000 रुपए? हाँ ब्याने में कभी? ब्याने में एक हफ्ता। एक हफ्ता बताए? हाँ कीमत के मामले में कभी भी अपनी रेट में कोई ये नहीं मिलेगी भाई, कोई कितने की बता दी, जो मिलेगा वाजिब मिलेगा। हाँ और इसमें से भी वाजिब मान सम्मान भी। ये बोला है जी अगर कोई भाई पंचायत के लिए लेना चाहे जी, गांव में पंचायत के लिए छोड़ना चाहे जी, जी कीमत की बात नहीं करूंगा, जो मार्केट रेट में ये बुल जितने का है उससे 11,000 रुपए कम पंचायत के लिए है। 11,000 कम? मतलब चाहिए मार्केट रेट में 1.5 लाख का है, चाहिए मार्केट रेट में 1.25 लाख का है, इसकी मार्केट रेट लगा लियो। पंचायत के लिए अगर कोई भाई ले जाए 11,000 रुपए की छूट है, पंचायत से लिखवा के ले आना। अगले को वीडियो दिखा देंगे, ये भैंस ले रहे हैं जी, अपनी टोकन मनी डाल दो, अपनी भैंस रिजर्व कर दो। वो भैंस आने के बाद में चुआई कर लेना, अगर वो चुआई के अंदर परफेक्ट निकले तो भैंस ले जाना, वरना अपना जो ब्याना डालेगा वो ब्याने के दानी आपा। हाँ ये नहीं अभी अगले के लिए ले दी तो अगले को कोई बंदिश होगी। अगर आपको पसंद आए तो ले, पसंद आए तो ले, दूध में पसंद आए। कई बार ये कहते हैं वीडियो के अंदर भैंस हमारे को बड़ी दिखे, भाई साहब वो देखने का नजरिया आपका है, वो बड़ी दिखे या छोटी दिखे सौदा करो, थोड़ी सी भैंस को टिकाई से देख के बढ़िया तरह सौदा करो, कोई मजबूरी नहीं आपके साथ में आज सौदा करो। आज आप भैंस देख रहे हो क्या हो गया, कल सुबह अपने आंखों के सामने आगे देखो, बढ़िया से चुआई करो, बाद में भैंस ले जाओ। हमारा है रोज बेचने का काम, कोई अपने को एक दो नहीं बेचने। ठीक बात है। हाँ तो साथियों अगर आपको इसमें पशु पसंद आते हैं तो आप बालाजी डेयरी फार्म मंडी आदमपुर जिले हिसार हरियाणा, तो अपना फोन नंबर सुन लीजिए। फोन नंबर है जी 94-160-81-706 और 99-910-81-706। अगर आपको कोई पशु पसंद आता है तो फोन नंबर जो दिया उस पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, यहाँ पर आकर के पशुओं की चुवाई करके अपनी आंखों से देख करके फिर पशु लेते हैं। सभी किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। सुनील जी राम राम। राम राम।